Ha 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 ha
रावण का अंत करने वाला राम। आया जब द्वापर युग, प्रारंभ हुई श्री कृष्ण की लीला। मुरली की धुन, राधा का प्रेम, मैया यशोदा का प्यार, बाल सखाओं की मित्रता, श्री कृष्ण की लीला तो सभी जानते हैं। इनकी लीला तो बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, जब इन्होंने राक्षसी पूतना का वध किया, फिर कालिया नाग से यमुना को मुक्त किया और फिर आया कंस। श्री कृष्ण ने कंस से युद्ध कर उसकी दोनों भुजाएं उखाड़ डाली और उसका वध कर संसार की रक्षा की। धर्म, आत्मसम्मान की रक्षा और संसार को गीता का ज्ञान दिया, तब हुआ प्रारंभ। हरि वंश पुराण के अनुसार श्री विष्णु के आठवें अवतार श्री परशुराम हुए, तो वही धर्म और शांति का प्रतीक नौवें अवतार भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने इसी गया की पावन धरती पर पवित्र निलंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर धर्म, ज्ञान और शांति का प्रचार प्रसार किया। अब कलयुग असत्य, पाप, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल कपट, हत्या, विनाश, काम। मैं कोई दानव, राक्षस, मनुष्य जिसे छल से मार दिया, मैं वो कंस नहीं जिसकी भुजाएं उखाड़ दी, मैं वो हिरण्यकश्यप भी नहीं जिसकी पीठ फाड़ दी। बसता हूं मैं जहन्नम में मनुष्य के, आज सोच पर सबकी सवार हूं, धर्म को मैंने ठहरा दिया, गलत इंसानियत खत्म करने को मैं तैयार हूं। कलयुग का दानव, कलयुग हूं मैं। कौन है राम, कौन है कृष्ण, कौन है विष्णु का अवतार, कौन करेगा कलयुग का संहार।
ये वाणी सुनकर श्री हरि विष्णु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डोले भगवान विष्णु कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ कलयुग बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो भूलता है मुझे, संहार झूलता है मुझे। रत्न हो तो दृष्टिकांड देख, मुझ में पूरा ब्रह्मांड देख। अंबर में कुंडल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख जगत का आदि सजन, ये देख महाभारत का रण, ऋतिकों से पटी हुई भू है। कलयुग कहता है तू खुद को, पहचान ही तुम्हें कहां तू है। ये मेरा कल की अवतार, मैं ही करूंगा कलयुग का संहार। सभी भक्त कलयुग और कलयुग के विनाशक श्री विष्णु अवतार कल की अवतार से आप सभी परिचित हो चुके होंगे। कलयुग का अंत तो होगा, ये तय है, किंतु जब इस कलयुग में सत्य धर्म और आस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तब सभी को यह ज्ञात होगा कि इस संसार में सूर्य देव की उपासना और छठ पर्व की आस्था अभी कम नहीं हुई है। इसका अर्थ यह हुआ अभी कलयुग के अंत का समय नहीं आया, इसलिए हर मनुष्य हर भक्त अपने मन में आस्था रखे, धर्म का पालन करे और सत्य का साथ दे। छठ पर्व और सूर्य देव की कृपा सदा कलयुग और कलयुग के हर मनुष्य के साथ है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हर युग का आरंभ और अंत मैंने स्वयं देखा है। कलयुग के आरंभ का साक्षी मैं और कलयुग के अंत का भी साक्षी मैं हूँगा। और ये कलयुग का अंत नहीं, कलयुग का उद्धार कहलाएगा। तत्पश्चात एक नए युग का आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कलयुग का उद्धार करने पृथ्वी पर स्वयं श्री नारायण आए। श्री नारायण स्वयं और सात चिरंजीवियों के पृथ्वी पर अवतरित होने के पश्चात ही कलयुग का उद्धार करें। तब तक श्री नारायण और देवी छठी के आशीर्वाद तथा सूर्य का प्रकाश कलयुग की रक्षा। तथा बोलो सूर्य देव भगवान की जय, छठी मैया की जय। लंबी सांस लेकर रखे थे सदा